हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधीर विद ज्योति। आज हम आए हैं, कहाँ आए सुधीर जी बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नेहरू प्लेनेटोरियम, जो के है महालक्ष्मी और बॉम्बे सेंट्रल के बीच में। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको नजदीकी स्टेशन है, महालक्ष्मी भी है और बॉम्बे सेंटर भी है। मेरे ख्याल से आप बॉम्बे सेंटर से आओगे तो आपको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ से आपको आना है। और यहाँ पे जो है मंडे बंद रहता है, और यहाँ का टाइमिंग जो है मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 6। और हम जब भी स्कूल में थे तभी हमको पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि मतलब पृथ्वी क्यों घूमती है, सूरज क्यों उगता है, चांद रात को क्यों आता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब अभी साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, और साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जानकारी लेने में। और अभी हम अंदर जाएंगे, ज्योति के साथ सब एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि अंदर क्या क्या है। और चलिए फिर चलते हैं अंदर। गाइस ये ऐसे एंट्रेंस है, आपको सामने ही दिखेगा लिखा हुआ नेहरू प्लेनेटोरियम। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टिकट का क्या रेट है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये सब शो के टाइमिंग है, सुबह 12 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे का ये लास्ट शो रहता है। और ये हिंदी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में रहता है। और अभी हम देखते हैं आगे टिकट का क्या रेट है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग ने ये टिकट निकाल लिया है, और इसमें शो का भी इंक्लूड है। अभी हमारा शो जो है 1:30 का शो है, तो अभी हम अंदर जाएंगे। इसके लिए अभी भी 10-15 मिनट बाकी है। जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे, गैलीलियो गैलीली इनका स्टैचू आपको दिखेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड टाइम है, यहाँ पे मतलब पूरा वर्ल्ड के जो देश है उनके हिसाब से है। मुंबई का भी 13:39 है, सिंगापुर है, टोक्यो जापान, और ये स्काई थिएटर है जहाँ पे हम लोग को जाना है। और यहाँ पे जो आप देख सक रहे हो ये मार्स है, मार्स का पैनोरमा यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और उसके थोड़े आगे ही हम चलेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपको पृथ्वी पे आपका वेट जो दिखाएगा, देखो अभी ज्योति का पृथ्वी पे वेट है। अरे बाप रे, ये कुछ भी बता रहा है ये तो। चलो अभी हम सूर्य पे अपना ज्योति का वेट देखते कितना है। और बाप रे, सूर्य पे ज्योति का वेट देखो, 1600 के आसपास है ज्योति का वेट सूर्य पे। अभी जुपिटर पे देखते हैं, जुपिटर पे कितना है ज्योति का वेट, कितना है, 146 ओनली बस। ये मंगल, मंगलवार वक्त बस बंद है रखते हैं मंगल पे, मंगल पे वेट मशीन नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं मून पे, अरे वाह, ये देखो चांद पे है ज्योति का वेट कितना है, बस 9 kg सिर्फ। चांद पे ज्यादा तो कम, तो चांद पे ही जाना चाहिए, वेट कम दिखाता है, वेट लॉस करने की जरूरत ही नहीं, वेट लॉस करने की जरूरत ही नहीं है चांद पे। और ये वॉशरूम की सुविधा यहाँ पे है लेडीज एंड जेंट्स की। उसके आगे हम देखेंगे मून का पैनोरमा, हम देखेंगे चंद्र विराट दृश्य, क्या मस्त लग रहा है आपको नजदीक से। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सब एस्ट्रोनॉट है, ये देखो जो चांद पे पहुंचे हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई। ये अपनी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी है, इतनी बड़ी है ना, इतनी विशाल है कि इसकी कहाँ पे भी गिनती नहीं है। असंख्य तारे और असंख्य ग्रह और क्या 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 है इसमें। ये चंद्रयान 3 का सब मॉडल है, उसके बाजू में ही है अपना सोलर सिस्टम, जिसमें अपने सब ग्रह है, सूर्य चांद वगैरह जुपिटर सब ग्रह है, नेपच्यून वगैरह। तो अभी हम अब जा रहे हैं अंदर स्काई थिएटर में, अपने शो का टाइमिंग हो गया है। और ये शो आप जरूर देख लेना, बहुत अच्छा रहता है। ये देखो स्पेस वॉक, ओह
ये ज्योति को तो बहुत मजा आ रही है एकदम। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बचपन में आया करते थे, और अभी आए स्कूल का पिकनिक आया करता हूँ। स्कूल की पिकनिक यहाँ पे भी आई है, और ये मून का पैनोरमा है बहुत बड़ा। ये अपने सामने पृथ्वी है, और ये अभी अपने सामने मून है। ये चलो अभी ऊपर चलते हैं, अपना शो का टाइमिंग निकलते जा रहा है। नहीं जैसे हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा शो है, ये ऐसे आपको नज़ारा दिखाई देगा। और ये सैटेलाइट अपना एक मतलब इन्होंने मॉडल बना के दिखा है कि सैटेलाइट कैसा रहता है, आर्यभट्ट उपग्रह। और ये आप यहाँ पे जाके एस्ट्रोनॉट के अंदर जाके फोटो निकाल सकते हैं। जा जाओ जाके, ज्योति जाएगी इसके अंदर। ये देखो वो देखो, ठीक रहे हाय। अरे ज्योति तो एस्ट्रोनॉट बन गई रे, क्या बात है। यहाँ पे भी है आप अंदर, ये देखो ज्योति तो सब जगह पे ये कर रही है। मस्त है एकदम। यहाँ पे सैटेलाइट गैलरी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ये देखो PSLV इसरो, और ये जो पूरा सैटेलाइट, यहाँ पे किसी को टच मत करना। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारा शो का टाइमिंग हो गया है। तो आकाश गृह स्काई थिएटर, चलो अभी अंदर एंट्री है क्या पता नहीं ना, मतलब कैमरा अलाउड है क्या पता नहीं ना, तो अगर रहेगा तो आपको दिखा देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये 5D थिएटर आई थिंक, 5D थिएटर में आप 5D थिएटर, वाओ। अभी अपना सीट नंबर कहाँ पे अपने को ढूंढना है। वाओ अभी देखो हमारी सीट हमें मिल गई है। और यहाँ पे अभी जो है शो चालू होने वाला है, पब्लिक अभी भी यहाँ पे आ रही है काफी है, मतलब वीकडेज में भी। और ये आप ऊपर नजारा देख सकते हो, ये देखो। और ये स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब चलो अपना नसीब था कि यहाँ पे अलाउड कर दिया है। ये एक्सपीरियंस आप जरूर ले लेना। और ये सीट भी पूरा पीछे जा रही है। दोस्तों अभी हम लोग मूवी देख के बाहर निकल चुके हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप भी आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आइए। और मतलब हम लोग जो स्कूल में सीखते थे ना कि सूरज क्यों उगता है, पृथ्वी क्यों घूमती है, और इस सब सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पेशली करके ये शो आप जरूर देखना, बहुत मस्त है, और पूरा 5D में है। ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप खुद वहाँ पे मतलब आपके सामने पूरी गैलेक्सी है। तो आप जरूर आए, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आ जाओ। तो अभी अपना नेहरू प्लेनेटोरियम एक्सप्लोर करके हो गया, और अभी हम आए हैं नेहरू विज्ञान केंद्र, जो के है महालक्ष्मी के पास ही है। और अभी हम अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे ही हम एंट्री करेंगे, सामने लिखा है आई लव साइंस, और मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं टिकट का क्या है, वो टाइमिंग क्या है। ये है टिकट काउंटर, और यहाँ पे टाइमिंग जो है सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। और यहाँ पे पर पर्सन जो टिकट है वो है 70 रुपीज़, और बाइक पार्किंग का चार्जेस अलग है। और आपको जो भी शो वगैरह देखना है या और कुछ एक्टिविटी है, तो यहाँ के ये पैकेजेस है। ये देखो, तो हम अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी हमने टिकट ले लिया है 140 रुपीज़ पर पर्सन, 70 रुपीज़।
से हम एंटर करेंगे नेहरू विज्ञान केंद्र, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है भाप इंजन, स्टीम इंजन, और ये वाला जो है विद्युत इंजन। देखो ज्योति चल रही है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने यहाँ से एंटर किया था, और ये बाइक पार्किंग, कार पार्किंग यहाँ पे 30-40 रुपया बाइक पार्किंग का लेते हैं। और ये अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्रेंस, बहुत ही अच्छा सा एंट्रेंस लग रहा है, पूरा ऐसा नेचर के बीच में एंटर करना है। काफी स्कूल के बच्चे हैं, फैमिली आई हुई है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपसे दिखेगा बारूद फाइटर प्लेन है यहाँ पे, इतना बड़ा है। यह है कल्पना चावला जी का स्टैचू यहाँ पे, जो पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी इंडियन, जो स्पेस में गई थी मून पे, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, इनके स्टैचू यहाँ पे है। जैसे कि विक्रम साराभाई, होमी भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघना साहा, ऐसे फेमस जो इंडियन साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते बढ़ते हुए हमें यहाँ पे दिखाई देता है ये शिकारी मेंटेन्स करके है, और इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, और इसके अंदर जाना मना है। और ये स्कूल की पिकनिक, यहाँ पे स्कूल के बच्चे, इनको भी इनका ज्ञान देने के लिए यहाँ पे स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो यहाँ पे दिखाने लेके लेने लेके आए हैं। सुस्वागतम, वेलकम। ये नेहरू साइंस सेंटर का एंट्रेंस है, और यहाँ से हमें आगे जाना है। यहाँ पे टिकट आप दिखा के अंदर एंट्री कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया, जो चार्जेस है जो भी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे अंदर यहाँ पे सामने आपके दिख रहा है, तो अपन एक एक करके ऐसे एक्सप्लोर करते हैं टेक्स। और ये देखो शांत पानी है एकदम, और ये अभी ये बटन दबाएंगे तो कैसे घूमे रहते का देखो। यहाँ पे एक मतलब एक घोरा घोरा ऐसा ये होगा, आप देख रहे होगे मेरे को कैसे घूम रहा है। ये बटन दबाते ही ये देखो, दबाओ बटन दबाओ ये देखो, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार मैं दबा देता हूँ उसको, ये देखो ये देखो, इसको दबाओगे तो कैसे घूम रहा है। ये भी चीज देखो, बटन दबाते ही कैसे ये स्पार्क हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है देखो, ये देखो ये देखो कंटिन्यूसली स्पार्क आ रहा है। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा भी कहते हैं। आरसी सीसो ऐसे शीशा अभी होता है, तरंग के चुंबक, फ्लोटिंग चुंबक ऐसे हो रहा है। जैसे ज्योति उसको ऊपर से हैंडल कर रही है, जैसे वो घूम रहा है। काइनेटिक एनर्जी, अभी ये ज्योति इसको घुमाएगी वैसे ये बॉल देखो कैसे ये होगा, आगे आगे जाएगा।
से। बॉल देखो कहाँ पे पहुंचा दिया ज्योति ने, यहाँ पे आ गया ग्रैंड शटल। ये बटन प्रेस करते ही ये इधर उधर होगा, ये शटल अपन बैडमिंटन खेलते हैं ना इधर उधर वैसे। अभी हम आ गए कैंटीन, यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है और हम लोग ने लिया हुआ है अभी वेज थाली, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेज ही मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है। तो चलो खाना खा लेते हैं और फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी खाना वगैरह पेट पूजा करके हो गए, अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे अभी क्या है। साइंस चिल्ड्रन रेडी शो, जैसे हम अंदर एंटर करते हैं हेड ऑन अ प्लेटर। अभी ज्योति यहाँ से जाएगी और ये देखो सामने आपको फलों के बीच में से बाहर निकलेगी। ये देखो कैसे है, ये देखो ऊपर नीचे मैजिकल लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिए यहाँ पे आके। चलो बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। ये आगे है प्रोफेशनल लेंस, ये देखो अभी ज्योति यहाँ पे जाएगी। बाप रे कितना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, बाहर आ जाओ अभी, मस्त है एकदम। ये है टच एंड फील, मतलब यहाँ पे अंदर हाथ डालना और क्या है वो बताना है। फर्स्ट वाले में डालो क्या है, देखो क्या है लग रहा है। ए ऐसे नहीं देखना है, हाथ डालो उस पर, चीटिंग हाथ। अरे देखो चीटिंग कर रही है तो ज्योति चीटर है। हाँ अभी क्या, अभी हम देखो थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या है, क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है। हाँ चलो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग चीटिंग है। दोनों हाथ यहाँ पे रखना है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। हालांकि इतना शॉक नहीं लगता है, रखो दोनों हाथ रख दो, नहीं लगता है शॉक लगा ज्योति को। और ये टच करेंगे तो लाइटिंग आ जाएगा, इधर इधर टच करना, इधर टच करना, टच करेंगे तो लाइटिंग आ जाएगा। इधर 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 ऊपर टच करना, इधर इधर, अरे इधर टच कर, टच कर, अरे कुछ नहीं होगा, टच करना, बंद है शायद लगता है। है, है, है आ गया आ गया। ये है हॉट एंड कोल्ड, एक साइड है हॉट और एक है कोल्ड। वो व्हाइट वाला पे हाथ रखो, व्हाइट वाले पे कैसे लग रहा है, कोल्ड है ना, हॉट है ये, और ये वो कोल्ड रहेगा, कोल्ड है वो और ये हॉट है। चलो अभी आगे है, ठीक है सेंस ऑफ टेस्ट। अच्छा ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट वाला दबाओ स्वीट वाला, स्वीट दबाते ही देखो टंग का क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद क्या है सोर, जब भी सोरनेस होती है तभी रेड होता है। उसके बाद है क्या सॉल्टी, नमकीन जब भी खाते हैं तभी देखो वैसी लाइट आती है। और ये क्या बिटर, बिटर का क्या ये आता है ये। अच्छा ये ग्रीन वाला, ओके ये है इम्पॉसिबल मिक्सचर। अभी ये ज्योति घुमाएगी, घुमाओ उसको पूरा सीधा कर दो, उसका पूरा घुमा के सीधा सीधा। हाँ ये मिक्सचर तो एक हो गया, सब अलग अलग है लेकिन ये अपने जगह पे वापस ऐसे आ जाता है। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे पढ़ लेना, और ये देखो फिर घुमा दिया। दोस्तों ये है बिग एंड स्मॉल, यहाँ पे जो छोटी चीज है वो बड़ी दिखाई देगी और बड़ी चीज है वो छोटी दिखाई देगी। ये टेलीस्कोप से वो देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये है ग्लोइंग बबल्स, आप इसको ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना तो यहाँ पे सामने बबल्स आएंगे। ये स्प्रिंग है, बटन दबाते ही अपने आप ये होती है, ये देखो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है समझ में ही नहीं आ रहा है, वो हालांकि एक ही जगह पे है। ये लिक्विड पेंटिंग, ये देखो कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट आ रहा है, ये देखो
गया है ब्रेन और सेंस, और यहाँ पे इनकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी हुई है। अभी हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये जो सेशन है वो साउंड एंड हियरिंग ध्वनि एवं श्रवण, तो यहाँ पे देखते हम क्या क्या है यहाँ पे। वर्चुअल हार्प, यहाँ पे जो आप बजाओगे ये आपको म्यूजिक यहाँ पे वही तरह से धुन आपको सुनाई देगी। और ये डीजे ऑपरेटर है, देखो इससे ही डीजे का शो निकला है लगता है। दोस्तों ये है वॉक एंड पियानो, यहाँ पे आप चलोगे तो देखो कैसे म्यूजिक बजता है। ये ज्योति चल रही है ना, ये देखो, चलो चलो देखो कैसे म्यूजिक आ रहा है। ये है इको ट्यूब, और यहाँ से उसको आवाज देना है, और आपके खुद की आवाज सुनाई देगी। आवाज दो ना, कुछ भी आवाज है, आवाज नॉस्टल है जिया। ये जो सब है ना ये पुराने जमाने के सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब पुराने जमाने में सब ये यूज होता था। रेडियो है और क्या 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 है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, अभी तो ये देखने भी नहीं मिलते। अभी तो सब लेटेस्ट यूएसबी वगैरह सीडी का जमाना है, हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्डिंग, इसमें सब फिल्मों का वगैरह रिकॉर्डिंग होता था। ऑडिटरी फीडबैक, ये देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। ये सराउंडिंग साउंड मेरे थिएटर जैसा लग रहा है, ये साउंड ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे स्वर मंडल पूरा बांसुरी है, यहाँ पे सितार है, सरोद है, तानपुरा है, यहाँ पे ढोलकी है, नगारा है। दोस्तों ये है वर्चुअल रियलिटी, ये देखो जैसे ज्योति यहाँ पे कर रहे हैं वो वहां पे बचेगा, वो देखो। तो अभी अपना नेहरू तारांगण एक्सप्लोर करके हो गया, और जो पहला था वो था नेहरू प्लेनेटोरियम, और इसके ही 2-3 किलोमीटर ही आगे ये है, तो आप वहाँ पे भी विजिट करना, यहाँ पे भी विजिट करना, और जो फिल्म था वो भी देख लेना, और दोनों का कॉस्ट सेम है अगर आप वहाँ जाओ यहाँ जाओ। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारा देखने जैसा है, अपने बच्चों को लेके आओ, और हाँ जिसको मतलब साइंस में इंटरेस्ट है वही आना, और नहीं है तो भी वो इंटरेस्ट आ ही जाएगा यहाँ पे आके। और फिल्म बहुत ज़रूरी देखना, और यहाँ पे अगर आपको आना है नेहरू तारांगण तो नज़दीकी स्टेशन है महालक्ष्मी, वहाँ से आप चल के भी यहाँ से तक आ सकते हो, कुछ 10 मिनट का रास्ता रहेगा, या तो बस भी आती है और टैक्सी भी आती है। तो अभी वीडियो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हुआ है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी हम लेते हैं अलविदा।